पाकिस्तान में सरिया कैसे बनता है, स्टील किन किन प्रोसेस से गुजर के वो हमारे पास पहुंचता है, वो सरिया सॉलिड शेप में कैसे हमारे पास पहुंचता है, ये हम आज आपको दिखाएंगे इत्तेहाद स्टील मिल के अंदर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान में सरिया कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है, स्टील किन किन प्रोसेस से गुजर के वो हमारे पास पहुंचता है, वो सरिया सॉलिड शेप में कैसे हमारे पास पहुंचता है, ये हम आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक स्टील मिल जो सबसे बड़ी है इत्तेहाद स्टील मिल के अंदर। ये इस वक्त मैं इत्तेहाद स्टील मिल के अंदर मौजूद हूँ और पाकिस्तान में आपने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह एक्सक्लूसिव वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें हम आपको स्क्रैप से लेके एंड फाइनल प्रोडक्ट, वो सरिया बनता है, वो गार्डर बनता है या जो भी प्रोडक्ट वो बनती है, हम आपको वन बाय वन पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। उसकी हम मेल्टिंग आपको दिखाएंगे, हम उसकी CCM के अंदर जब वो रॉ मटेरियल मेल्ट होके ठंडा होने जाता है उसके बाद उसकी शेप बनती है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये सारा प्रोसेस होता है, ये हम आज आपको इत्तेहाद मिल स्टील मिल के अंदर दिखाएंगे। ये वो स्क्रैप है जी जो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, इस स्क्रैप को आगे जाके 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट किया जाता है जिससे ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर ली जाती है इसकी। इसमें एल्युमिनियम नहीं होता, ये प्योर स्क्रैप है जो इनके मतलब का होता है जिससे आगे ये स्टील बनाते हैं, आगे जाके ये लिक्विड शेप में आता है और लिक्विड शेप में ले जाने के बाद आगे फिर इसको सॉलिड शेप में ठंडा करके आगे फिर इसको सरिये की या किसी भी गार्डर की किसी भी जो इन्होंने प्रोडक्ट बनानी है उसकी शेप दी जाती है। इस स्क्रैप के बाद हम आपको आगे वाला प्रोसेस दिखाते हैं जहाँ पे 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेबर काम करती है, इनका प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे, ये सारा जो स्क्रैप है वो मेल्ट किया जाता है, उसके बाद इसको CMC में लेकर जाया जाता है। इस वक्त हम मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं, वो जो जगह है वहां से स्क्रैप आ रहा है, मैग्नेट भी वहां पे लगा हुआ है, एल्युमिनियम के अलावा वो सारा स्क्रैप वहां से लेके आ रहा है और इस जगह के ऊपर जो है वो स्क्रैप आ जाता है। ये कैमरामैन मेरे आपको क्लोज करके दिखाएंगे यहाँ पे कितना जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये हमें अब्दुल हमीद साहब जो प्रोडक्शन इंचार्ज है यहाँ पे ये हमें बताएंगे। हमीद साहब ये बताएं यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर कितना होगा? अभी 1630-40 अभी। अच्छा, हाँ जी, जब ये 1650 तक होगा इसमें हम केमिकल मैग्नीज वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, और फिर इसका जब 1680 टेम्परेचर या 90 तक होगा फिर हम इसे ना आगे CCM पे भेज देंगे। कितने टेम्परेचर के ऊपर ये जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है? ये 1539 से मेल्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, 1539 से ये हो जाता है मेल्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये अब जितना भी स्क्रैप वहाँ पे हमने देखा है वो सारा स्क्रैप आ रहा है, ये यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, इसके बाद क्या होगा मेल्ट होने के बाद? मेल्ट होने के बाद हम इसमें केमिकल वगैरह डालेंगे। ठीक है, हमें जो ग्रेड चाहिए होगा, ग्रेड 60 हम बनाते हैं। हाँ, वो ग्रेड 60 का मसाला इसमें केमिकल डालेंगे। अच्छा, उसके बाद ये लैडल में हम इसको टिल्ट करेंगे। अच्छा, ये CCM पे सीधी चली जाएगी। अच्छा, ये जो मेल्ट हो गया अब जो हमारे पास ये इसका रॉ मटेरियल बन गया, इसकी कोई टेस्टिंग भी होगी या इसका कुछ होगा, चेक किया जाएगा? हम तीन मसले की हीट होती है हमारी तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट में आती। अच्छा, हम उस पे ना 3 स्टेज पे हम सैंपल लेते हैं, जब 10 टन माल हो जाता है। हाँ, फिर 16-17 टन पे, फिर एंड पे जब 1600 डिग्री टेम्परेचर हो जाए। अच्छा, फिर उसी हिसाब से हम इसमें स्क्रैप ऐड करते हैं, जितनी हमें कार्बन चाहिए हो, कम है तो थोड़ा हाई कार्बन वाला स्क्रैप और अगर हाई कार्बन है तो लो कार्बन वाला स्क्रैप इसमें ऐड। अच्छा, अभी जो है वो आपको यहाँ पे मेल्टिंग के बाद जो वो लेकर जाएंगे और उसको जो लैब में टेस्ट किया जाएगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये सैंपल लिया जा रहा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी की तरह, जितना भी स्क्रैप था लोहा था वो पानी की तरह बन गया। इसको उठा के ये लेबोरेटरी में लेकर जा रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर जो है वो अभी इस जितना भी ये मेल्ट मटेरियल है लेबोरेटरी के अंदर जाके इसको भी टेस्ट करेंगे। ये जो है वो मेल्टिंग मटेरियल है, इसके पीसीस किए जा रहे हैं। यहाँ पे अभी जो है वो इसको ठंडा किया जा रहा है पानी में।
आए जी, आपको भी आगे जो है वो लैब में दिखाते हैं जी। .27 आई है तो ये ठीक है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये ओके है। अब हम इसमें ना केमिकल ऐड करेंगे, जैसे इसमें मैग्नीज है .08 है, अब हम इसमें अपने हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम इसमें एडिशन करेंगे केमिकल। अच्छा, जो भी है ठीक हो गया। ये हम नीचे जो भी टेस्टिंग की है ना, जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो ऊपर डिस्प्ले पे आ जाते हैं, फिर हमारे जो क्वालिटी वाले लड़के हैं उन्हें सारा पता चल जाता है, वो यहाँ से देख के आपने फिर आगे केमिकल वगैरह ऐड करते हैं। दोबारा हम इसका ना टेम्परेचर लेंगे कि कितना टेम्परेचर है, फिर अच्छा। हमारा टेम्परेचर 1650 तक हो तो हम इसमें केमिकल ऐड। हीट है ना बहुत ज़्यादा है, और ये जो हमारे जितने भी लेबर भाई हैं, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको हम देखते हैं कि यार ये एक लेबर है, लेकिन सच्ची बात है ऑनेस्टली कि यहाँ पे काम करना मुश्किल है। ये यहाँ पे काम करना आसान नहीं है कि आप 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर खड़े होकर काम करें। आप देखें कि यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, यहाँ पर हीट मुझे फील हो रही है, देखें आप। तो वहाँ पे खड़े होके काम करना इनके लिए जो है वो, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं ये, और हमें जो है वो अपनी लेबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी इसके अंदर केमिकल डाल दिया है, ये कैमरामैन मेरे इसको क्लोज करके दिखाएंगे आपको। केमिकल डालने के बाद ये जो है जितना भी इसका रॉ मटेरियल है पावर, ये आप टेम्परेचर पूरा हो गया। अब ये हमने फर्नेस को टिल्ट किया, ये नीचे लैडल में माल जाना है। अभी जी कैप जो है वो मुझे दे दी है इन्होंने, ये यहाँ पे सेफ्टी के लिए जो है वो ज़बरदस्त है। अभी CCM में ये जा रहा है, CCM में क्या प्रोसेस होता है वो आपको दिखाते हैं जी। को दिखाया हमने कि जितना भी इनका मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल, वो यहाँ पे ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि वो लिक्विड की फॉर्म में आया है, तो पानी उसके ऊपर गिर रहा है ताकि वो सॉलिड हो जाए।
यहाँ से सॉलिड होने के बाद वो यहाँ पे आ रहा है, ये आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि ये सॉलिड जो है वो बनता जा रहा है, उसको शेप मिलती जा रही है एक रॉड की, एक बड़ा रॉड वो बनता जा रहा है और हार्ड और सॉलिड रॉड बनता जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर पानी गिर रहा है। अब ये लिक्विड से शेप में आ रहा है, सॉलिड शेप में। अच्छा, यहाँ पे भी अब्दुल मीर साहब, यहाँ पे भी इसके ऊपर पानी गिर रहा है, शावरिंग हो रही है इसके ऊपर? यहाँ पे शावरिंग की कोई जरूरत नहीं। अभी इसका जो टेम्परेचर अभी इस टाइम है ना, ये 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड अभी यहाँ पे भी है। ये बताएं कि क्वालिटी का क्या हिसाब किताब है? बहुत सी मार्केट में जो है वो स्टील्स हैं, बहुत से सरिये भी हैं, तो आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? कुछ सर्टिफिकेशन होती है, स्टैंडर्ड होते हैं, क्या होते हैं ये? हम थ्रू प्रॉपर ना स्टैंडर्ड के मुताबिक चलते हैं। अच्छा, क्वालिटी पे हम किसी किस्म का कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमारे SOPs हैं, उन पर बड़ा सख्ती से अमल किया जाता है। हमारा मार्केट में माशाल्लाह एक नाम है, इत्तेहाद स्टील का बहुत बड़ा नाम है। क्वालिटी के मामले में हम किसी किस्म का कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास जो भी स्क्रैप होता है वो भी क्वालिटी वाला इंपोर्ट हम स्क्रैप करते हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कभी हमें कहीं से कंप्लेन नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे अगर क्वालिटी को आप मीटअप नहीं करते हैं, क्वालिटी का नहीं बनाते, तो उसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस भी होता है? हम चेक एंड बैलेंस करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, हमारे पास जो लड़के काम करते हैं। थर्ड पार्टी भी है जो चेक एंड बैलेंस रखती है? थर्ड पार्टी ऐसे है कि कस्टमर जो लेके जाते हैं वो आगे हर जगह से टेस्ट, UET लाहौर हो गई, टेक्सला हो गई, पेशावर हो गई, सारी बड़ी पार्टियाँ टेस्ट करती हैं। अच्छा, और उसके बाद हमारे मालकान भी जो हैं वो भी इस पर बड़ी मसन नज़र, गहरी नज़र रखते हैं, बड़ी सख्ती करते हैं कि क्वालिटी पे वो किसी किस्म का कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होता जी। ये वो लेबर है जी जो यहाँ पे इतना जो डिग्री सेंटीग्रेड है 1600 से ऊपर है वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, हमारे लिए स्टील बना रहे हैं। ये सारी लेबर है, इनके साथ एक नारा लगाते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।